मिथुन पिछो मिथुन 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 इकोन पिछो उपेंद्र ट्राइपॉड लगवा ले उपेंद्र ट्राइपॉड लगवा यहाँ पे यार देख बाजू तो पीछे रखो यार सर तुम लोग यार उधर से जाके भी खींचने का ये देखा लाइव जा रहा है तेरा नहीं सही वो तो इधर खींचने का नहीं जो कि इस प्रकार हैं 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर यह हथियार इंडिया का बनया हुआ है यह हथियार 375 मीटर की दूरी तक ग्रेनेड नूं फायर करने की क्षमता रखता है इस हथियार के अंदर एको समय में 6 ग्रेनेड लोड करके 18 ग्रेनेड 1 मिनट
फायर कर सकते हैं। नहीं सर, दूसरा भी दिखा सकते इस तरह की सिग्नल रोड इसके बारे दसो जी सर, एक्स फौजी है सर भर्ती साहिबान 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यह हथियार यूएसए का बनया हुआ है। इस हथियार 150 meter की दूरी तक ग्रेनेड को फायर कर सकते हैं। साहिबान इसका ग्रेनेड जिस जगह से फायर होता है उस जगह से 8 meter रेडियस से जानदार वस्तु को बिल्कुल खत्म कर देता है। स्नाइपर 7.62 mm SSG 69 स्नाइपर साहिबान यह हथियार ऑस्ट्रिया का बनया हुआ है और 800 meter की दूरी तक निकल वाले टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है। साहिबान 7.62 mm स्नाइपर राइफल यह हथियार इंडिया का बनया हुआ है और 1200 meter की दूरी तक निकल वाले टारगेट को आसानी से बर्बाद करके एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सकता है। 5.56 mm लाइट मशीन गन नगेव साहिबान यह हथियार इसराइल का बनया हुआ है और 800 meter की दूरी तक आसानी से दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। साहिबान यह हथियार 1 मिनट में 850 round तो लेकर 1050 round फायर कर सकता है। दो जवान आसानी पूरे करते हैं। साहिबान 7.62 mm AK-47 यह हथियार बुल्गारिया का बनया हुआ है। वैसे तो इस हथियार 400 meter की दूरी तक फायर कर सकते हैं लेकिन ट्रिटिकोन साइट लगी होने के इस 600 meter की दूरी तक फायर कर सकते हैं। मॉडिफाइड करके इसके उपर फ्रंट हैंड ग्रिप भी लगाया गया है जिसके उत्ते टॉर्च और इंडीकेटर की सुविधा होने असी टारगेट को इंडीकेट कर सकते हैं। समैश 2000 डे एंड नाइट साइट साहिबान इस साइट की मदद असी डे 300 नाइट 100 meter की दूरी तक आसानी फायर कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके दुश्मन नू लॉक करके आसानी फायर कर सकते हैं और ड्रोन के उपर भी 120 meter की दूरी तक लॉक करके फायर कर सकते हैं। छोटे सर जो सिख पिस्टन जहन श्रीमान बताओ श्रीमान पिस्टल सिख 9 mm यह एक जवान नू निजी प्रोटेक्शन सेकेंडरी वैपन के तौर पर मुहैया कराया गया है जो कि क्लोज प्रोटेक्शन रूम इंटरवेंशन बहुत ही सहायक हथियार है। ये ही VIP सिक्योरिटी के वरते जाने वाले ये सारे हथियार हैं। 5.56 mm X-95 ये इजराइल का बनया हुआ हथियार है और 1 मिनट में 700 to 1000 round फायर करने की क्षमता रखता है। 5.56 mm SG-552 यह स्विट्जरलैंड का बनया हुआ हथियार है। 1 मिनट के 700 round फायर करने की क्षमता रखता है और 300 meter तक किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। 9 mm MP9 यह हथियार 9 mm राउंड फायर करता है। 100 meter की दूरी तक किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकता है। यह हथियार VIP सिक्योरिटी रूम इंटरवेंशन वास्ते वरत्या जाने वाला सब तो कारगर हथियार है। श्रीमान जय श्रीमान RLT बिल्डिंग इंटरवेंशन रूम इंटरवेंशन करने लिए बंदे को थले तो उपर ले जाने इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह 100 meter तक ऑयल आता है 20 meter के नाल एक्सटेंडेबल CD है। इस तरह राउंड है जो जिद रॉप उपर चले जाते हैं इसकी मदद में बंदे को CD के जरिए ना जाके ये रॉप की मदद में अंदर लाया जा सकता है। नाल HSTI मिनी HSTI श्रीमान ऑपरेशन के दौरान हम किसी इवेंट का यूज करते हैं। सेकेंडरी वेपन यूज करने के लिए कमांडो होलिस्टर का यूज करता है जिससे आसानी से दोनों हाथ से वेपन को कैरी किया जा सकता है। ब्लास्टिंग गॉगल्स अगर ऑपरेशन के दौरान हमें ID ब्लास्ट करने की जरूरत पड़ती है तो एक कमांडो की आंखें सेफ रखते हैं जिसका हम यूज करते हैं। नी पैड एल्बो पैड जिसके दौरान क्रोलिंग या अन्य कोई एक्टिविटी के दौरान हम एक कमांडो सेफली अपने टारगेट तक पहुंचता है। फायरिंग ग्लव्स तथा मल्टीपर्पज ग्लव्स के रूप में यूज करते हैं ताकि बार बार एक कमांडो को अपने ग्लव चेंज ना करने पड़े। कमांडो पोस्ट जो रात के टाइम में कमांडो को बहुत हेल्पफुल साबित होती है। कमांडो डैगर वॉक्स यूनिट विद टैक्टिकल यूज के साथ में शोल्डर और अपने ईयर्स के साथ हम यूज करते हैं। मल्टीपर्पज नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट सर जब कोई कैजुअल्टी एक्टिवेशन करने के लिए कमांडो इजली इसको यूज कर सकता है। मल्टीपर्पज रूप सुख अपने सभी इक्विपमेंट तथा वेपन कैरी करने के लिए कमांडो मल्टीपर्पज रूप का यूज करता है। डिहाइड्रेशन पैक जिसके दौरान 1-3 liter पानी एक कमांडो अपने साथ कैरी कर सकता है। जय श्री कृष्ण।
जय श्रीमान। माइंड प्रोटेक्टिव व्हीकल कैस्पर श्रीमान, यह व्हीकल स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप नूं मुहैया करवाया गया है। यह व्हीकल दे विच 12 जवान फुल टैक्टिकली मूव कर सकते हैं। 30 किलो तक की फटन वाली आईडी तो इस बिल्कुल सेफ रखता है। जय श्रीमान। जिस तरह मैं समय समय से कहता रहा कि साड़ी बॉर्डर स्टेट होने करके बहुत सारे गैर समाजिक तत् जिहड़े ने वो पंजाब ते बुरी नज़र रखते ने, पंजाब की अमन शांति नूं तोड़न लई वो कोई ना कोई चालां चलते रहिंदे ने, जिन्हों के पंजाब पुलिस बड़ी बहादुरी दे नाल नाकाम करती रहिंदी है। इधरों पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधरों भी बहुत सारे ड्रोन एक्टिविटी हो जाती है। बहुत सारे ड्रोन जिहड़े ने पंजाब पुलिस ने BSF ने मिल के उन्होंने गिराया भी है और ड्रोन जिहड़े ने अपने कब्जे च लए ने। ते पंजाब पुलिस जिहड़ी है उन्होंने अपडेट करना, समय की हानि बनाना, क्योंकि अजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। पुराने यंत्र जिहड़े ने वो इन्ने कारगर साबित नहीं होंदे। सो असी बजट जारी किया फोर्सेस लई, क्योंकि जे सामने कोई दुश्मन है उहदे कोले जिहड़ी टेक्नोलॉजी है, चाहे वह राइफल दे रूप च होवे, चाहे वह कोई धमाका खेज समगरी जां कोई होर उहदे कोले कोई उपकरण होवे, उहदा जवाब फिर उस तो लेटेस्ट ते उस तो वधिया उपकरण नाल दित्ता जा सकदा। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, 86 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਮਰੂਤੀ ਕ੍ਰਿਟਿਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਕ੍ਰਿਟਿਗਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फ्लैग ऑफ होया तो बलैरो दी जिहड़ियां मजबूत गड्डियां ने वो पुलिस दे बेड़े च आईयां ने। तो इन गड्डियां दे विच मोबाइल डाटा टर्मीनल्स लगे हुए ने, GPS लगे हुए ने, ताकि जिहड़ा 112 नंबर है उहदे ते डायल जदों कोई करदा उहदा उहदी जिहड़ी उत्थे उस जगह ते पहुंचण दी टाइमिंग घट सके। पहलां वो टाइमिंग लगभग 20-25 मिनट दे विच सी, पर लेटेस्ट गड्डियां मुहैया करा के असी, मैं पहले भी दस्या सीगा जिस दिन एक फोरेंसिक दे अधिकार जिहड़े उन्हां नूं नियुक्ति पत्र दित्ते सीगे कि गूगल जदों असी इनवेस्ट पंजाब वास्ते व्यापारियों नूं मिलन गए सी तां मुंबई दे विच गूगल नाल भी मीटिंग हुई सी। गूगल इस गल लई तैयार है कि असी बिल्कुल अपडेट कर देंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस जिहड़ी है वो गूगल वाले तैयार ने सी। आने वाले दिनों उन्होंने इतने बुला के उन्होंने पुलिस के सारे अधिकारियों साइबर क्राइम वाले सारे नाल मुलाकात करा के असी देश की सब तो अपडेटेड और देश की सब तो समय की हानि पुलिस जी पंजाब पुलिस को बुलाना चाहते हैं। और फ्यूचर के काफ़ी जोड़े काम ने वो पंजाब पुलिस रिलेटड होणगे, जिन्हां दे विच कम्युनिकेशन सिस्टम है वह 41 करोड़ रुपया जारी कर दिता गया ताकि वह वायरलैस और सॉफ्टवेयर खरीदे जा सकन। ते नाल दी नाल साइबर क्राइम विंग जिहड़ा अज की डेट च साइबर क्राइम बन गया एक, अजकल कोई पता नहीं कदों कितों कोई फेक चैनल बना के कोई भी र्यूमर फैला देंदे है जां कोई ना कोई गलत प्रचार इस तरह का करदे आ, उस नूं जल्दी तो जल्दी फड़ना, उस बन जिथों वह
इनफॉर्मेशन आई है उस जगह पर जल्दी पहुँचना ये पंजाब पुलिस लिए कई बार बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, पर जो इस तरह के इक्विपमेंट साढ़े को आ गए तो असं बड़ी जल्दी जोड़ा वो साइबर के मामले च अपडेटड होवे। तो जिन्हें भी अगे प्रपोजल्स आनगियां जड़िया 30 करोड़ रुपया साइबर अपडेट करने लिए असी किया कि साइबर क्राइम जोड़ा वो अपडेट हो जिमें भी अगे अगले दिन आने वाले दिन क्योंकि वाह पै जानी है जा राह पै जानी है। कई बार कोई गड्डिया लें कोई बिल्डिंग बनती है ज कोई कोई पॉलिसी बनाने एग्रीकल्चर पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने वरते तो बाद कई बार कमियां पता लगदियां ने कि ये आह कमी है। सो असी इस गल फ्लैक्सीबल रखा हुआ जो इन गड्डियां इन जे साइबर दे अपने उपकरण जोड़े नवे खरीदे ने उन्होंने वरतणगे तो कोई ना कोई कमी जो कोई पेशी आऊगी कम तो असी उस तो होर अपडेट करन वास्ते बजट की कोई ऐसी कमी पंजाब पुलिस नहीं रखांगे। और पंजाब पुलिस पंजाब की अमन शांति भाईचारे क्योंकि साढ़े धियां पुत ने यह साडे च ही ने साडी जिहड़ा परिवारां दे मैंबर ने सो पंजाब दे सोशल बॉन्डिंग जिहड़ी भाईचारे की है उन्हूं बिल्कुल नहीं टुटण दिता जाऊगा और लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा वो देश दे विच सब तो बेस्ट पंजाब दे विच असीं करना। एक देखो लोकतंत्र जिहड़ा देश दा लोकतंत्र जिहड़ा उहदे विच हस्तक्षेप उह च दखलअंदाजी इन्नी हो रही है राज्यां दे अधिकारां च जदों तो सेंटर दे विच बीजेपी आई है कदे वह गवर्नर दे थ्रू कदे वह किसी होर तरीके नाल कदे LG दे थ्रू दिल्ली दे विच कदे किसी फैसले नूं ना मनना सो किसी ना किसी तरीके नाल उह लोकतंत्र नूं मतलब अपने कब्जे च करना चाहुंदे ने कि साडी उही चले। दिल्ली दे विच MCD दी इलैक्शन हुई इलैक्शन कमीशन ने इलैक्शन कराई रिजल्ट आए क्लीयर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी नूं आई पर 2 महीने लग गए सानू सुप्रीम कोर्ट तो एक होना पिया कि मेयर बना दो इन्हां दा कि इन्हां दी बहुमत है मेयर बनिया फिर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा चन पाई। पिछले दिन ही जो बहुत वड्डा फैसला एक मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने दिता सर्विसिज वाला कि पोस्टिंग ते बदलियां जिहड़ियां ने उह चुनी हुई सरकार दा हक है सुप्रीम कोर्ट दे फैसले नूं उस दिन रात को बदलिया जो अगले दिन छुट्टियां हो गई कि हुण अगे जिहड़ा कोर्ट छुट्टियां ने आपां इह कर लैणे। सो इस तरह की जिहड़ी लोकतंत्र नाल छेड़छाड़ है वह बर्दाश्त नहीं होगी। असी सारे देश दे विच जावांगे अज बंगाल जा रहे हैं कल नूं असी महाराष्ट्र जावांगे और जिन्नियां भी जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां खुद भी पीड़ित ने जां राज्यपालां तों जां सेंटर सरकार दे किसी ना किसी स्कीम का पैसा रोक लिया कहते किसी सो असी उन्होंने कट्ठे करके असं चाहते हैं कि राज्यसभा दे विच ये अध्यादेश जिहड़ा ऑर्डिनेंस जिहड़ा ये काला जिहड़ा तानाशाही लिआंदा इहनू रोकिया जा सके। देखो जो भी सानू होम डिपार्टमेंट मंगता है चाहे मानयोग हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट असी हर एक उन्होंने जोड़ा भी इशू होंगे अभी जवाब दें आने वाले दिन तुम्हें पता लग जाए। हाँ जी चन्नी साहब एक नहीं मैं प्लेयर का ना नहीं दसना पर चन्नी साहब न मैं कह दिना कि 2-4 दिन होर ला लो भाणजियां दे भतीजियां नूं पुछ लो हो सकता तुहानूं पुछे बिना भी काम करदे होण नहीं मैं प्लेयर सामने लै आना फिर उन्हां दी कुछ नहीं रहनी इस करके कृपा करके ढके रहो तो चंगा है। हाँ जांच इहदी जरूर करांगे कि कि ऐं दो करन दा मतलब की है ये मैं एक मिनट ये गल कह के मैनूं कोई TRP मिलनी ये गल मैं पहलां नहीं कही मैं जिद्दे मैच देखण गया उद्दे मैनूं प्लेयर मिले उन्होंने कहा कि साडी आह हालत है जी पंजाब दा प्लेयर सी पंजाब दा मुंडा सी पंजाबी सी सो इस करके कैप्टन साहब ने पहलां नहीं दित्ती नौकरी जो दूजे पासे गए तो वो ये पुछ लैण जो उन्हों का फिर अपने भाण जां भतीजे दे कंट्रोल ही नहीं ताइयों तो 8-8 करोड़ रुपया घरों मिलता सी फिर
देखो जो भी कानून जिन्हें तोड़िया वो तो परचा होगा और जेड़ा कानून मुताबिक परचा बनता है चाहे वह करप्शन का है चाहे वह आमदन तो वध प्रॉपर्टी का है चाहे वह किसी भावनावां नूं भड़काउण दा है जिहड़ा भी परचा बनूगा वह परचा असी देवांगे भावें वह पंजाब पुलिस दे ही एक कोई कोई सबका जां मौजूदा अधिकारी होवे कानून कानून है सब तो जिहड़ी आ 14 महीने दे विच जो गल निकल के आई है जो कि तुसी भी इस गल दी तायद करोगे कि पंजाब दे विच 14 महीने झूठे परचे पैने बंद हो गए कि अकाली दल वाले ने अंदर कर दो जी आ फलाने ने इन्हों छड़ दो जी आ कांग्रेस वाले ने फड़ लो जी असी कदे भी अपनी पुलिस नूं किसी ऑकवर्ड पोजिशन च नहीं पाना चाहते कि पोलीटिकल परचा कर दो जी वो असी नहीं करते ठीक है जी जलंधर असी कोई कोई इलेक्शन लड़ी संगरूर लड़ी असी कदे कोई किसी से परचा नहीं किया ना कोई हाँ हरेक नूं हक है इलेक्शन लड़े अपना प्रोग्राम देवे उन्होंने प्रोग्राम लोगों ने नहीं मनिया लोगों ने फतवा साढ़े हक दिता असी काम करांगे चले है जी देखो जी राजस्थान की जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की है बीजेपी जिहड़ी है सेंटर च है असी 18,000 क्यूसिक लीटर पानी जिहड़ी इंदिरा गांधी नहर कहने जिहनूं उहदे राहीं पंजाब तों राजस्थान नूं जांदा है 18,000 क्यूसिक पानी जिहदे चों असी एक घुट भी पंजाब दे विच नहीं कढ सकदे उहदे नाल ही नहर जांदी है उह सरहंद फीडर कहिंदे उहनूं उस 5200 क्यूसिक पानी है जिहदे नाल असी फाजिलका अबोर असी उधर अरनी वाला पन्नी वाला ये सारा इलाका जिहदे नाल नरमा बीजदे आ बल्कि कई पंपां राहीं पावरफुल पंपां राहीं चक के उस नहर चों पानी इधरले पासे भी कटे जाता मलोट वाले पासे जे नहर चलती है तो गिदड़बाई वाले पासे भी कटे जाता ताकि उत्थे भी खेतों नूं पानी मिल सके तो मैनू समझ नहीं आती कि क्यों जिहड़ी गहलोत सरकार ने इन्हां दिनां च बंदी क्यों ले ली भी 70 साल तो नहर चल रही है मई ते जून महीने च बंदी ले ली उन्होंने कि जे असीं नहर की रिपेयर करनी है 30 किलोमीटर है जिते 70 साल हो गए 2 महीने होर चल लें अक्तूबर च ले लेंगे बंदी तुम अपना 18,000 क्यूसिक पानी बंद करवा रखे तो सानू कहने तुम इधरों पानी दे दो साढ़े को जो पानी साढ़े पहली बार तो साढ़े वाले को पहुंचे हो कि नहर के पानी ना नरमा बीजे या पनीरी बी बीजी है सो इस करके पंजाब जोड़ा वो पानी के पक्षों खास तौर पर नहरी पानी पक्षों से पैरों सिर करना है आने वाले दिनों होर भी बहुत सारे नहर खा लेंगे थोड़े को रिपोर्टा आदि रही मैं सुनता रहना सो इस करके राजस्थान की सरकार को सेंटर सरकार को चाहिए 18,000 क्यूसिक वाटर वो अज कह 1 घंटे बाद चल पूगा सो इस करके वो आपदा जोड़ा पानी है वह लो बाकी साढ़े वाले पानी जोड़ा साढ़े नहीं सर रहा वो बिना आप ही मैनेज करते करवाणी फिर यही तो मैं कहना कि क्यों कर दे मैनेज तुम सारे फ्री टू एयर क्यों नहीं करते इन्हों फ्री टू एयर दे नहीं पता कहते फ्री टू एयर तो हैगी है जी थानू राइट्स है तुम कर दोगे सवेरे 4:30 लाइव फिर इन्होंने पता ही नहीं है वो $54 तो घट कि भी पी टी सी चैनल लाने का एक सैट टॉप बॉक्स का $54 पर टीवी है अमरीका कनेडा च हर घर च लग्या होया क्योंकि लोगों की भावनावान ने गुरबाणी सुननी है उन्होंने पैसे नहीं मानते सो यह मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है ये तो विचार करना चाहिए एक चैनल में राइट्स नहीं होने चाहिए गुरबाणी सर्वसांझी गुरबाणी है गुरबाणी मनुखता का भला मंगने वाली है फ्री टू एयर हो जिहड़ा मर्जी चैनल चलावे पता की है लगता तो यह भी नहीं कि 92 आन गया लगता तो यह भी नहीं कि दिल्ली 67 आन गया ये पहला लगता नहीं होंगे जिदे लागू हो गया तुम सवाल करो